मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया की अहमियत को देखते हुए सियासी पार्टियों ने भी चुनावी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। इसी रणनीति के चलते बीजेपी भी अपनी आईटी सेल को मजबूत करने पर जोर दे रही है। बीजेपी का दावा है सोशल मीडिया ही आने वाले चुनाव में बीजेपी की नैया पार लगाएगा। अजमेर में आयोजित आईटी सेल कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में सोशल मीडिया के जरिए किस तरह से विरोधियों को घेरा जाए और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाएगा, इस पर फोकस किया गया। इस कार्यक्रम में मौजूद मंत्री अनिता भदेल ने सोशल मीडिया को राजनीति का महत्वपूर्ण हथियार बताया है। निर्धारण में लोगों की चीजों को सुनने में और लोगों तक ठीक पहुंचने में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा माध्यम। बैठक में संभाग से आए कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी तो वहीं मंत्री वासुदेव देवनानी ने कहा कि विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ भ्रामक प्रचार कर युवाओं को बरगलाने का काम कर रही हैं, जिसका जवाब बीजेपी आईटी सेल के कार्यकर्ता देंगे। लेकिन आज सोशल मीडिया का इम्पोर्टेंट महत्व बढ़ गया है। सोशल मीडिया एक एजेंडा तय करता है। इन्हें हमारे कार्यकर्ता जो कि लगभग 65% आज की युवा का भारत है, उसमें इसका उपयोग करें। आगामी चुनाव की लड़ाई जमीनी स्तर के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी लड़ी जाएगी। बीजेपी आईटी सेल के जरिए विपक्षी पार्टियों को जवाब देने में लगी है तो वहीं कांग्रेस पलटवार की तैयारी में है। अशोक भाटी, जी मीडिया, अजमेर।